हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद क्वेश्चन नंबर टू। एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3, इसमें क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अब दो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, फर्स्ट और सेकंड। ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड की फैक्टर है या नहीं है, बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम, ओनली डिवीजन मेथड से। अगर आपको कोई मेथड आपको स्पेसिफाई किया गया है एग्जाम में, तो आपको स्पेशली बेटा उसी मेथड से आपको करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वैल्यू वो क्या है, टी स्क्वेयर माइनस थ्री। और जो सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है कि ये जो टर्म है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो आ रहा है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो जो ये टी स्क्वेयर माइनस थ्री है वो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा डिवीजन। इसकी वैल्यू क्या है, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। सभी वैल्यूज ऑर्डर में है, पावर हायर पावर, फिर उससे लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर और लोवेस्ट। और डिवाइड किससे करना है हमें, टी स्क्वेयर माइनस थ्री से। तो फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो क्या है, 2t4 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2t। टी स्क्वेयर से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू जो बचेगी यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, 2t² 2 एज इट इज। यहाँ पे 4 पावर थी, यहाँ 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच गई। तो जो हमारा कोशियंट आएगी फर्स्ट टर्म आएगी 2t², 2t² की इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा, 2t4 2 और 2 4। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और +2 क्या हो गया, 6 -6 और t² तो t² वाली टर्म के नीचे रखेंगे माइनस का 6t². आई होप इट इज़ क्लियर। फिर देखेंगे नेक्स्ट, पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3t³ प्लस का 6 है -2 है, बड़ी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा, और दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 में से 2 गया तो क्या आ गया बेटा, 4t² माइनस 90 और माइनस 12। अब फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे आई है हमारी वो क्या है, 3t³ डिवाइड करेंगे t² से, कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया हमारे पास, दो वैल्यू कम होगी तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गया, 3t, तो प्लस के 3t। 3t की और t² की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया बेटा, 3t³। 3t की और -3 की तो -3 और +3 क्या हो गया, माइनस का 9 और t, तो माइनस का 9t। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, वैल्यू जो बच गई क्या आ गई, 4t² माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करेंगे, 4t² को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म क्या है t² t² से t² कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 4, तो प्लस 4 पे वैल्यू जाएगी। 4 की t² की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया बेटा, 4t², 4 की -3 के साथ की तो माइनस का 12। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, 0। क्या आ गया रिमाइंडर हमारा, 0। अब रिमाइंडर 0 है तो क्या लिख देंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड जो क्वेश्चन गिवन है हमें, सेकंड पार्ट जो गिवन है वो देख लेते हैं हमारा। उसमें वैल्यू जो गिवन है x² + 3x + 1, और जो सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2।
अब इनको भी देखो ऑर्डर में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको अरेंज करने में। सीधी क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे क्या है, 3x की पावर 4 डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर, तो क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर। ये मेथड आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसे यहाँ पे बेटा 3x की पावर 4 थी अपॉन में एक्स स्क्वायर थी, इसको करते कैसे हैं, 3 तो एज इट इज रह जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन एक्स की पावर माइनस 2। अब यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड, तो क्या आ जाएगा 3 एज इट इज एक्स की पावर 4 माइनस 2 और वैल्यू क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर। ये इसका ब्रीफ है कि किस तरीके से वैल्यू आती है, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाती है तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ गई। अब जो कोशेंट की फर्स्ट टर्म आई हमारी क्या आई, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। 3x स्क्वायर की 3x के साथ मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9, एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब। 3x स्क्वायर की 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखेंगे बेटा नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो माइनस साइन आएगा, रिवर्स अपोजिट वैल्यूज हैं तो 9 में से 5 गया तो क्या आ गया 4x क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगी वैल्यूज, साइन माइनस का ही रहेगा, 7 और 3 क्या आ गया 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म उठाएंगे क्या आएगी, माइनस का 4x क्यूब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है तो पावर 1 का 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर वाले से तो क्या आ गया x, तो माइनस का 4x। अब माइनस 4x की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 4x क्यूब, माइनस 4x और 3x की 4 3 जा 12 और वैल्यू आएगी माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस 4x की 1 के साथ की तो क्या आ गया माइनस का 4x। नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। प्लस 12 है माइनस 10 है तो बड़ी वैल्यू प्लस है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और 12 में से 10 गया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x और 2x क्या आ गया प्लस का 6x प्लस 2। 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर से, फर्स्ट टर्म इसकी यहाँ से और फर्स्ट ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ये रफ साइड करना है आपको, 2 पे आ गई वैल्यू तो प्लस 2, 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 की 3x के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 6x, 2 की 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया प्लस का 2। माइनस 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 कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू आ गई हमारे पास, जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया बेटा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे भी सेम, r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अगर क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो गिवन है हमें वो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और वैल्यू जो गिवन है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 5 उसके बाद क्यूब है तो 4 के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पे, माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड किससे करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। यहाँ पे फिर फर्स्ट टर्म उठाई क्या है एक्स की पावर 5, डिवाइड किया एक्स की पावर 3 से, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारा एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 से यहाँ पे है हमें कोशेंट की फर्स्ट टर्म मिल गई, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगी एक्स की पावर 5।
एक्स स्क्वेयर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर वन है यहाँ पे टू है तो एक्स क्यूब आएगा, तो क्यूब वाली के नीचे रखेंगे वैल्यू, तो माइनस का थ्री एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर की वन के साथ मल्टीप्लाई की तो प्लस का एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट, फोर में से थ्री गया तो बेटा माइनस का एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट तो वैल्यू बच गई हमारी माइनस वन, माइनस वन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस वन और माइनस थ्री एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का थ्री एक्स, माइनस वन और प्लस वन की मल्टीप्लाई की तो हमने क्या आएगा माइनस वन, यहाँ पे माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट, वन और वन टू, अब टू के साथ कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर जो आ गया वो हमारा क्या आ गया टू, तो रिमाइंडर जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो है, रिमाइंडर जो है वो क्या है टू, सो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आई होप इट इज क्लियर, आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।